बिहार विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अगुवाई में विपक्ष के कई नेता राजभवन मार्च किया। विधानसभा की कार्यवाही के चौथे दिन भी सत्र नहीं चला। विपक्ष के सभी सदस्य मुजफ्फरपुर बालिका आवास गृह में लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म मामले को लेकर सदन में सीएम से जवाब मांग रहे हैं। सदन में इस पर चर्चा भी चाहती है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है। इसको लेकर विपक्ष 3 दिनों से सदन नहीं चलने दे रहा है। हम लोग यही मांग करने आए थे, तू थोड़ा पीछे कर दो। आज सरकार का जो रवैया हो गया ठीक, जिस प्रकार से पुलिस पर जो प्रेशर, जो राज्य सरकार पॉलिटिकल प्रेशर जो लगाने का काम किया है कि पॉलिटिकली वेंडेटा के हिसाब से किसको बचाओ और किसको फंसाओ, इसी काम में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कल ही जनता दल यूनाइटेड के जिस प्रकार से विधायक ने रंगदारी वसूलने का काम किया, पता नहीं एफआईआर हुआ भी कि नहीं हुआ, इमीडिएटली होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये तो पुलिस प्रशासन बताएगी। लेकिन अगर क्यों नहीं हुआ, किसके दबाव में नहीं हुआ, जिस प्रकार से ब्रजेश ठाकुर का जो एफआईआर था उसमें नाम नहीं जोड़ा गया, वो भी 2 महीने बाद एफआईआर होता है, नाम नहीं जोड़ा गणेश गया। नहीं है भाई। और आप देखिए कि कौन कौन सी बिहार पुलिस ने धाराएं लगाई जिन्होंने अमानवीय व्यवहार करने का काम किया, मारपीट का धारा लगाएंगे।